और मूसा तुम्हारे पास खुली निशानियां लेकर आया, फिर तुमने उसकी गैर मौजूदगी में बछड़े को माबूद बना लिया, और तुम जुल्म करने वाले हो। और जब हमने तुमसे अहद लिया और तूर पहाड़ को तुम्हारे ऊपर खड़ा किया और कहा, जो हुक्म हमने तुम्हें दिया है उसे मजबूती के साथ पकड़ो और सुनो, उन्होंने कहा, हमने सुना लेकिन हम नहीं मानते। और उनके कुफ्र के सबब से बछड़ा उनके दिलों में रच बस गया। कहो, अगर तुम ईमान वाले हो तो कैसी बुरी है वो चीज जो तुम्हारा ईमान तुम्हें सिखाता है। कहो, अगर अल्लाह के यहां आखिरत का घर दूसरों को छोड़कर खास तुम्हारे लिए है तो तुम मरने की आरजू करो अगर तुम सच्चे हो, मगर वे कभी मौत की आरजू नहीं करेंगे इस सबब से कि वे जो अपने आगे भेज चुके हैं, और अल्लाह खूब जानता है जालिमों को। और तुम उन्हें जिंदगी का सबसे ज्यादा हरीस लालसा रखने वाला पाओगे, उन लोगों से भी ज्यादा जो मुशरिक है। उनमें से हर एक ये चाहता है कि 1000 बरस की उम्र पाए, हालांकि इतना जीना भी उसे अजाब से बचा नहीं सकता। और अल्लाह देखता है जो कुछ भी कर रहे हैं।